बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने गुरुवार देर रात टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट करी। पुलिस ने शालिग्राम सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर विवादों में हैं। शालिग्राम गर्ग पर टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर शालिग्राम गर्ग सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले भी शालिग्राम पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। शालिग्राम पर शादी समारोह में घुसकर तमंचा लहराने का आरोप लगा था। उस वक्त उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। रात में थाना गुलगंज अंतर्गत एक टोल प्लाजा के पास में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट हुई, तो उस आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा FIR पंजीबद्ध कराई गई है। इसमें अभी उनके द्वारा 3 लोगों के नाम बताए गए हैं, जीतू तिवारी, लोकेश गर्ग और शालिग्राम गर्ग। और भी कुछ अज्ञात लोग हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी इसमें लगी हुई है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।